श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरा एक स्कंद उस पर लिखा गया है कि बांसुरी क्या बला है। ये भगवान और भक्त के बीच का अंतर है बांसुरी। वहां पे गोपियां ये कहती है कि ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी के वंश को माने झाड़ को तुमने हमने पानी डाला, सींचा, उसको बड़ा किया, उसके बाद उसको टहनी तोड़ी गई, उसकी बांसुरी बन गई, जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया वो तो चली गई हरी के अधरों पे और तुमको हमको बिरहा में छोड़ दिया। ये सरासर ना इंसाफी है। तो ये जो लड़ाई है, ये बांसुरी जो चीज है, ये बुरी बला है। हम भक्ति करते हैं, हमको हरि प्राप्त होना जरूरी है, तो ये बांसुरी को हरि प्राप्त हो गया। तो ये बांसुरी का और भक्त का जो झगड़ा है, ये अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये स्कंद पांचवा जो कहते हैं श्रीमद् भागवत का, उस पे आधारित ये भजन है। ये भजन भी स्वर रचित है। देखिए बांसुरी से कैसा झगड़ा करते हैं। सारे ग ग प रे रे ग सारे ध ध ग रे सा रे ग प ध ग प रे प रे ग ध ग प सा प ध ग प रे ग सा रे ध सा। तो सखी मदन मोहन जैसी छलिया। धूत काका कहाँ है हमारे? आप सामने बैठ जाइए। तो सखी मदन, मदन मोहन कृष्ण का एक नाम है। त्रेता युग में कहते हैं कि सीता जैसी सुंदर कोई नहीं थी, और द्वापर युग में कहते हैं कि कृष्ण के जैसा कोई दूसरा सुंदर था ही नहीं। इतना सुंदर था कृष्ण कि जब उसने आईना देखा तो अपने ही सुंदरता में वो खो गया। इतना सुंदर था वो कृष्ण। अब उसको ये समझ में नहीं आता है कि आईने में घुसा कहां से। ये जो अकेवल चीजें होती है, जो केवल चीजें होती है वो तो सांस लेती है, लेकिन जो अकेवल चीजें होती है, वो जो केवल प्रतिबिंबित होती है, उनका हम इस्तेमाल बिंब की तरह नहीं कर सकते। तो ये जो कृष्ण और हमारे बीच में बांसुरी है, तो इसको हम आज हटा देते हैं। क्या कहते हो, झगड़ा करेंगे? तुम हम मेरे साथ हैं, चलिए झगड़ा करते हैं। तो ये जो मदन मोहन है, सखी मदन मोहन जैसी छलिया, मोहन की मुरलिया। तो सखी मदन मोहन जैसी छलिया, मोहन की मुरलिया। Okay.
जैसी मदन मोहन जैसी छलिया मोहन की मुरलिया। सखी मदन मोहन जैसी छलिया हो ए मोहन की मुरलिया। अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। अच्छे को भी एक शब्द है बावरी और एक शब्द है बावली। यहां मैंने जो इस्तेमाल किया है ये है बावली। बावरी का मतलब है थोड़ी कम दीवानी, जिसको बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ये जो बावली है इसको कृष्ण के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब ध्येय के अलावा सारी चीजें समाप्त हो जाती है तो ऐसी अवस्था को हम समाधि कहते हैं। ध्येय से विपरीत सारी चीजें जब समाप्त हो जाती है तो उसका नाम समाधि है, और ये समाधि बावली अवस्था में आती है। अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। सखी मदन मोहन जैसी छलिया मोहन की मुरलिया। हमारे जो मुकुंद जी है, कहाँ है मुकुंद, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे रखी है जिसके आगे दीप प्रज्वलन किया गया। तो इस कृष्ण से मैं कुछ पूछना चाहता हूं भाई। भक्त लोग इतने बुरे हैं कि तूने एक जड़ चीज को अधरों पे लगा रखा है। मैंने अक्षर को किताबें बांचते देखा नहीं। सुनिए, मैंने अक्षर को किताबें बांचते देखा नहीं, पत्थरों को अपनी धड़कन जांचते देखा नहीं। समझ में आ रहा है? मैंने अक्षर को किताबें बांचते देखा नहीं, मैंने पत्थरों को खुद की धड़कन जांचते देखा नहीं। जड़ को ईश्वर मिल भी जाए तो खुशी होती नहीं, जड़ को ईश्वर मिल भी जाए तो खुशी होती नहीं। बंसी को बजते ही देखा, नाचते देखा नहीं। अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। संवाद देखिए कैसे है। बांसुरी है तो रहना सिर्फ बांसुरी बनके, बांसुरी है तो रहना सिर्फ बांसुरी बनके, न जमा रोब यूं सखियों पे तू हरी बनके।
लाइनें सुनिए, बांसुरी तू खुद को हरी मत समझ, सुनिए लाइन, बांसुरी है तो रहना सिर्फ बांसुरी बनके, न जमा रोब यू सखियों पे तू हरी बनके, तुझे पता नहीं है सुख हरी के चरणों का, वहां पे भक्त रहता है, तुझे पता नहीं है सुख हरी के चरणों का, फायदा क्या यूं हमसे ज्यादा बावरी बनके, अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया, अच्छे को भी बनाए बावलिया, ये सारी बावली चीजें हैं, सुनिए। कन्हैया के सुरों को तू वृथा अपने समझती है, ये सुर तेरे नहीं है, उधारी का माल है। कन्हैया के सुरों को तू वृथा अपने समझती है, क्यों तू भी, क्यों दुनिया की तरह तू भी उधारी में उलझती है ना। कन्हैया के सुरों को क्यों वृथा अपने समझती है, क्यों दुनिया की तरह तू भी उधारी में उलझती है, अरे हमारी गुनगुनाती काया है पैदाइशी बंसी, तुझे कोई और बजाता है ये अपने आप बजती है, अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया, यदि बांसुरी का निरीक्षण करेंगे तो क्या है ये, एक सूखी लकड़ी है, यदि तुम्हारी हमारी तुलना में यहां रखेंगे तो हम उससे कई गुना अच्छे हैं, लेकिन ये बांसुरी है बढ़िया टेढ़ी खीर जिसको कहेंगे हम, देखिए कैसा है। आपने कभी ऐसा झाड़ देखा है, ऐसा पेड़ देखा है, ऐसी लकड़ी देखी है कि जो मरने के बाद जिसको फूल आते हैं, देखी है ऐसी लकड़ी, लेकिन एक बांसुरी अनोखी चीज है, देखिए। एक बांस की ये सूखी लकड़ी, एक बांस की ये सूखी लकड़ी, बांस की सूखी लकड़ी बेजान होने पर भी, जान नहीं है उसमें, एक बांस की एक बांस की ये सूखी लकड़ी, बेजान होने पर भी, एक बांस की ये सूखी लकड़ी हो, ए बेजान होने पर भी, तन मन में खिलाती है कलिया मोहन की मुरलिया,
लाती है कलिया मोहन की मुरलिया। बांसुरी चीज देखिए कैसी है, लकड़ी एक जगह है और फूल कहीं और लग रहे, वो तो सूख गई लेकिन यहां तन मन में खिलाती है कलिया। ये क्यों हो रहा है? एक दूरी तय करनी जरूरी है, दूरी अति निकटस्य निष्फलम अति दूरस्य दुरास्था। बहुत ज्यादा नजदीक जाएंगे आप आग के तो जल जाओगे, बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो ठंड बजेगी। ऐसी जगह पे रहो कि जहां ठंड भी ना बजे और जहां जल भी ना जाओ। तो भक्त अपने आप को ऐसी जगह पे मेंटेन करता है ही। और ये बांसुरी है ये सीधे ही आग में चली गई है, दूरी जरूरी है। वे भृंग हो मोहित इसलिए हिलता है गुलाब। सुनिए, दूर के लिए है। वे भृंग हो मोहित इसलिए हिलता है गुलाब, डाल से भी ज्यादा हार में खिलता है गुलाब। वे भृंग हो मोहित इसलिए हिलता है गुलाब, डाल से भी ज्यादा हार में खिलता है गुलाब। खुशी के वास्ते कुछ दूरी भी जरूरी है, कांटे नजदीक है पर कहां उन्हें मिलता है गुलाब। तो तन मन में खिलाती है कलिया मोहन की मुरलिया। एक बार वृंदावन में भजन हो रहा था तो वहां किसी ने पूछा कि ये बंसी जो है ये इतनी मधुर क्यों बजती है। राज इसकी, राज इसकी मधुरता का हमको, राज इसकी मधुरता का हमको, राधा ने ये बताया, राधा ने ये बताया। ये मेरा कहना नहीं, ये राधा जी का कहना है। बंसी क्यों मधुर बजती है? राज इसकी मधुरता का हमको, राधा ने ये बताया, राधा ने ये बताया। सुनाओ, राज इसकी मधुरता का हमको, इसकी छेदों में इसकी सुरागों में
इसकी छेदों में कुंजन की गलियां, मोहन की मुरलियां। देखिए यहाँ ताली बजनी इसलिए जरूरी है क्योंकि राधा जी ने तुम्हारी हमारी साइड ली है भाई। वो जो बांसुरी बजती है उसकी छेदों में कौन है? कुंजन की गलियां, और कुंजन की गलियों में तुम हम सब आते हैं। तो बांसुरी जब बजती है तो हम बजते हैं, हम बजते हैं, है ना। उसकी छेदों में कुंजन की गलियां, मोहन की मुरलिया। ये कुंजन की गलियां कैसे आई? राधा जी को फिर प्रश्न किया कि ये कुंजन की गलियां आई कहां से? तो राधा जी का जवाब ये था, जब गोकुल से मथुरा गए श्याम, तब क्या हुआ? धन दौलत छोड़ी और गए माखन लेकर। सुनिए, धन दौलत छोड़ी और गए माखन लेकर, हमारे तन छोड़े पर गए वे मन लेकर। धन दौलत छोड़ी और गए माखन लेकर, हमारे तन छोड़े पर गए वे मन लेकर। नहीं जी पाएंगे हमारे बिना इस कारण, नहीं जी पाएंगे हमारे बिना इस कारण, गए वे बांसुरी में पूरा वृंदावन लेकर। इसकी छेदों में कुंजन की गलियां, मोहन की मुरलियां। अब इतना होने के बाद भी बांसुरी तो वहां से हिल नहीं रही है। अब ये बांसुरी बजती कैसे, कैसे बजती है बांसुरी, आपको पता है? इसका जवाब सुनो। ये बांसुरी कुछ नहीं है, तुम हम हैं सब, जो कुछ भी है तुम हम हैं, बांसुरी कुछ भी नहीं। सुनिए, सोहम दास, सोहम दास ले प्राण हमारे, हिंदी में ले शब्द के दो अर्थ होते हैं। ले का मतलब होता है लेना और ले का मतलब होता है लेकर। तो यहां जो दूसरा शब्द है लेकर, हमारे प्राण लेकर, सोहम दास ले प्राण हमारे, ये हरी फूके तुझको, ये काना फूके तुझको। मतलब ये है कि काना में जो फूक है वो तुम्हारे हमारे प्राण है, ये काना की अपनी फूक भी नहीं है। सुनिए, सोहम दास ले प्राण हमारे, ये हरी फूके तुझको, ये काना फूके तुझको। सोहम दास ले प्राण हमारे, और नतीजा क्या होता है? करे सखियों को, करे सखियों को सारी घायलिया, मोहन की मुरलिया। करे सखियों को सारी घायलिया, मोहन
सखियों को सारी घायलिया मोहन की मुरलिया। करे सखियों को सारी घायलिया, ये बांसुरी भी अजीब चीज है। चमत्कार देखो बांसुरी का, चमत्कार देखो। बंसी बंसी खुद तो हरी अधरों पे गुनगुनाती है, बंसी खुद तो हरी अधरों पे गुनगुनाती है, वहां से हर हृदय में आग ये लगाती है। आपको आप समझ पाएंगे ये चीज जो चमत्कार है, जहां पे हमको आग लगानी है वहां पे वो तिली को खुद जाना पड़ता है। तिली दूर है और आग लगती है ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये बंसुरी ऐसी तिली है कि जो है एक जगह पे और आग दूसरी जगह लग रही है। बंसी खुद तो हरी अधरों पे गुनगुनाती है, वहां से हर हृदय में आग ये लगाती है। दुश्मनी आग और लकड़ी में होती है, फिर भी दुश्मनी आग और लकड़ी में होती है, फिर भी लगा के आग ये खुद आग से बच जाती है। करे सखियों को सारी घायलिया मोहन की मुरलिया। सखी मदन मोहन जैसी छलिया अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। अच्छे को भी बनाए बावलिया मोहन की मुरलिया। मोहन की मुरलिया।